ये तो बता पानी पानी से पूछे साहब पानी कौन लाया है ये पानी एयरलाइन क्या पानी एयरलाइन अखिलेश यादव लेके आए अखिलेश यादव अक्षय यादव लेके आए पानी इसीलिए शहर का विकास हुआ है पानी की वजह से सब लोग टिके हुए हैं सीजा कहाँ से लाए अरे अरे सीजा कहाँ से लाए यार अपने ये सब अच्छे मुलायम अखिलेश यादव की देन है यार जिला जानपुर योजना जो है अखिलेश यादव की देन है वही बताइए और अच्छे की देन है वही बताइए ठीक है सीजा और मेयर की कोई लेके नहीं है बेकार की बात है दो टाइम आता है ये अखिलेश यादव की जिला जानपुर योजना अखिलेश यादव नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से KIA में और KIA की स्पेशल सीरीज के अगला महापौर कौन हो उसमें आपका स्वागत है। तो आइए आज हम कुछ लोग हम यहाँ गांधी पार्क में हैं और यहाँ कुछ लोगों से जानेंगे इस बार वो किस तरीके का महापौर का कैसा महापौर महापौर जो इस टाइम पे है वो कुछ काम नहीं होने दे रहे या हो नहीं रहे काम तो कोई अच्छा सा चाहिए जी हमें बीजेपी का ही लेकिन अच्छा सा चाहिए अच्छा जी क्या बीजेपी में 150 से ज्यादा आगे तक है हाँ तो क्या लगता है उनमें से कोई एक नाम आपको अगर अच्छा लग रहा हो नहीं नाम का तो भी वो है नहीं लेकिन बीजेपी का ही कैंडिडेट कैसा होना चाहिए पढ़ा लिखा होना चाहिए हाँ पढ़ा लिखा होना चाहिए समझदार होना चाहिए शहर का विकास करा है पब्लिक को क्या चाहिए विकास चाहिए युवा हो या प्रौढ़ युवा 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 हो महिला या पुरुष महिला हो या पुरुष हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन शहर का विकास कराए ये वर्तमान महापौर को कितने प्रतिशत आप संतुष्ट हैं हम तो 25% भी नहीं है 25 भी नहीं है चलिए सर क्या करना पवन गुप्ता गुप्ता जी किस तरह का महापौर इस बात जो हमारे शहर का विकास कराए पढ़ा लिखा हो वर्तमान मेयर ने विकास नहीं कराया मैं उसके बारे में तो नहीं बोलूँगा मैं कुछ बाकी जी हमें तो ऐसे ही चाहिए जो विकास कराए सड़कें बनवाए अब पार्क में कभी कुछ कमी आ जाती है कभी कुछ कमी आ जाती है कोई देखने वाला ही नहीं है इससे सुंदर अटल पार्क बना दिया है हाँ अटल पार्क बना दिया है बाकी ये इंस्ट्रूमेंट लग जाते हैं उनकी देखभाल भी तो होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं कोई देखने वाला नहीं है वर्तमान मेयर से कितना प्रतिशत संतुष्ट है मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा चलिए आइए और लोगों को सवाल है अभी वर्तमान में मेयर के इलेक्शन होने हैं बहुत सारे लोग आवेदन कर रहे हैं किस तरह का महापौर आप चाहते हैं अच्छा हो बढ़िया काम करे बदलाव होना चाहिए और क्या बदलना चाहिए हर 5 साल बाद वो सही चलता है मेयर बार बार उसी को एक को करते रहोगे तो दिमाग खराब हो जाते हैं ठीक है वर्तमान मेयर के कारण से कितना प्रतिशत नहीं कार तो ठीक है खैर प्रतिशत संतुष्ट नहीं कार तो ठीक है कार तो ठीक है परसेंटेज परसेंटेज साहब हम लोग काम तो करा लो तो हम मालूम कितनी परसेंटेज अपने काम तो रोटी पानी धंधे को देंगे कहाँ क्या हो रहा है ठीक है आप कितना प्रतिशत संतुष्ट हम तो खूब प्रसन्न है और काम सही करते हैं मगर हमारे मतलब हो मेयर अच्छा हमारी आज रात काम आवे हम जिस विभाग के आदमी हैं वो विभाग में काम करें कौन से विभाग के हैं तो वो हम जिन बताएंगे ठीक है अपनी जगह लेकिन हम ये चाहते हैं आदमी ऐसा आए सबका साथ और सबका विकास थोड़ा आगे पीछे हो जाए वो ये ना करे कि एक बिरादरी को सपोर्ट करे अगर उसमें मुसलमान भी जाता है हिंदू भी जाता है या कोई नीच बिरादरी भी जाती है जैसे भी मतलब है तो उनको सबको एक निगाह से देखे ये ना हो कि उनको अलग अलग निगाहों से देखा है बस यही सपोर्ट चाहते हैं बाकी किसी किस तरह का मेयर चाहते हैं आप महिला या पुरुष महिला या पुरुष जो भी हो विकास को पूर्ण रूप से करें युवा या प्रौढ़ देखो युवा जो होते हैं वो थोड़ी अपनी युवाईगिरी में थोड़ा सा वो रहते हैं बाकी जी है जो पुराना चावल होता है वो सही होता है और बिल्कुल साफ सुथरा होता है ठीक है शिक्षित हाँ शिक्षित तो होना चाहिए बिना शिक्षित के मेयर का क्या काम है जी संतुष्ट हैं संतुष्ट हैं ठीक अच्छा काम करो आप किस कितना प्रतिशत संतुष्ट तो काफ़ी है जो भी काम करते हैं वो उनका काम होता है हमारा ऐसा नहीं है कि वो भी और जो नया आएगा मैं चाहता हूँ पढ़ा लिखा अच्छा ही आए मेयर जो आगे आए हाँ चुहा ठीक है
ठीक है, महिला या पुरुष कोई भी आए, महिला पुरुष जो भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होना, हाँ, जो नगर नगर काम करवा सके, शिक्षा पहली प्रायोरिटी। हाँ यस, ठीक है। किस तरह का मेयर इस बार चाहते हैं? बढ़िया दे दो साहब, पढ़ा लिखा, शिक्षित, अच्छा, ईमानदार, कर्मठ, तो आप लोग करेंगे वही तो। किस तरीके का होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए। हाँ, शिक्षित और कर्मठ जुझारू होना चाहिए। बढ़िया। महिला या पुरुष? पुरुष होना चाहिए साहब। पुरुष होना चाहिए। कितना प्रतिशत आप संतुष्ट हैं इस बार के मेयर से? बढ़िया, 80% मान लो। महेश्वरी जी, किस तरह का मेयर चाहते हैं इस बार? मेयर ऐसा हो जैसा इस वक्त चल रहा है वर्तमान में, तो इसके कारण से कितना प्रतिशत संतुष्ट है? देखिए, जो विशेष कार्य है उनसे संतुष्ट है ही, और जल पानी तो ये समस्या तो चलती रहती है। परसेंट मैं उसके कार्य 50% संतुष्ट। 50%, ठीक है। और अब जो मेयर हो वो कैसा होना चाहिए? तो पब्लिक का ध्यान रखे, पब्लिक की सुविधाओं को देखे, जगह जगह जो सड़क टूट फूट जाती है उसकी रिपेयरिंग अपने तरीके से करवाए। दूसरे ये ना हो कि आज सड़क बनी है, कल फिर खुदना चालू हो गई, इस तरीके से ना हो। इस बार जो मेयर हो कैसा हो? बढ़िया हो, अच्छा हो, पानी हो उनका हो, लोकल हो, जिस तरह की कैटेगरी है सवालों की, क्या नाम है, सामान है तो सामान नहीं आए, तो दूसरी जाति का नहीं आए। शिक्षित, शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित का तो रोल ही है सर। युवा या पुराना, इससे डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। महिला या पुरुष, कोई इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होना चाहिए। माने सर, किस तरीका का मेयर इस बात का? सर, इस बार मेयर हम चाहते हैं जो हमारा पार्क का विकास कराए, और जहाँ टहलने वॉक करने आते हैं इनका थोड़ा ध्यान लगाया है, क्योंकि पार्क में ना तो कोई सुविधा है। सुविधाओं वाला नया पार्क बना दिया है? नहीं, वो तो बना दिया, लेकिन ये तो पुराना पार्क है गांधी पार्क। यहाँ भी करीबन 400 से 500 लोग टहलने आते हैं सुबह, कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी, कोई कहीं और, मतलब जैसा होना चाहिए पार्क वैसा पार्क नहीं है। तो क्या क्या आप कितने प्रतिशत आप इस बार से मेयर के लिए? इस बार तो हम मुश्किल से 5% 5% केवल मुश्किल से पार्क के हिसाब से। ठीक है। महिला या पुरुष कौन होना चाहिए? पुरुष होना चाहिए। पुरुष होना चाहिए। शिक्षित? शिक्षित होना चाहिए। ठीक है। युवा या पुराना? युवा हो तो ज़्यादा बेटर है। अनुभवी या नया? अनुभवी। अनुभवी। यहाँ मेयर तो पहले ऐसा चाहते हैं, उनको साफ सुथरा होना चाहिए और शहर के लिए कुछ काम करे, और ये नहीं होना चाहिए किसी कठपुतली बन के रहे। अच्छा, वर्तमान मेयर के कारण से कितना प्रतिशत संतुष्ट? वर्तमान मेयर काम कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा। वो कठपुतली रहा ये नगर, आपसी में नगर विधायक के साथ दोनों में तालमेल नहीं रहा। तो अब जो मेयर हो वो कैसा हो? मैं बता ना, आपको अच्छा होना चाहिए, अभी तो आने दीजिए। शिक्षित हो? शिक्षित भी हो। अनुभवी? महिला या पुरुष? महिला पुरुष। अभी कैंडिडेट तो आने दीजिए, उसे कह रहे अभी कैंडिडेट एक से आवेदन 150 से ज्यादा लोग कर चुके हैं। तो उसमें कह रहे तो 150 के नहीं, 5-7 के दिख रहे और सारे जिनमें चेहरे दिख रहे एक से एक भ्रष्ट चेहरे, कोई बलात्कारी है, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, और उसका इतिहास निकालेंगे वैसा और उनकी छानबीन की जाए तो पता लग जाएगा कितने और कब से है ये बीजेपी के कोई भैया। और देखिए, इस पार्क में चार बार ईमानदार हो तो चार बार इस पार्क में काम हो चुका है, और बिल्कुल पार्क का देखिए कितने करोड़ों का विकास नाम से। सुविधाओं वाला नया पार्क बनाया है? अरे सुविधा वाला क्या बनाया, भावे भी कितने करोड़ रुपए लगे, उतना उसकी रकम से देखा जाए तो कुछ भी काम नहीं नहीं, यहीं देख लीजिए पुराना, अभी इतिहास उठा के कल जाइए निगम में पूछिए इसमें कितने करोड़ रुपए अभी दिया गया है। इस वर्ष में जो इनके मेयर काल था हमारे मेयर का, 1 करोड़ रुपए इसमें दे दिया, और फिर देख दीजिए तुलना कर लीजिए कितना पार्क में लग गया, देखिए
पैसा लगा है कहाँ है, ये फुहारे भी नहीं चल रहे। इधर देखो गंदे, पुराने पहले जो विधायक थे हमारे रघुवत्याल जी, उनने पार्क बनवाया तब का पार्क देख लो आपका, देखो यहाँ कमर भी पता नहीं, पानी भरा रहता, गंदगी कितनी, साफ सफाई और पानी की व्यवस्था से शहर में साफ सफाई, इनकी जो पानी की व्यवस्था तो दूसरी सरकार ने कराई, इनने कुछ नहीं कराया। आंदोलन किया था जब पानी की समस्या थी। आप ये बताइए वर्तमान में जो मेयर है उनके कारण से कितना प्रतिशत संतुष्ट है? 10% पर केवल, ओनली 10%, ठीक है काम नहीं ना, ओनली 10% में से कितना केवल 10%। अब ये तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ऊपर से पैसा आ रहा है तो काम तो हो ही रहा है। केवल 10% साफ सफाई, साफ सफाई ठीक है, ठीक है। कितना प्रतिशत संतुष्ट? यहाँ की अगर लोकल की बात कर रहे हैं मेयर साहब की, तो मैं साहब आप यहाँ आप जिस जगह बात कर रहे हैं ना उससे, इस पार्क की स्थिति का बदहाल ये है कि लाखों रुपए इसके लिए फंड आ चुका, लेकिन कुछ भी खर्च नहीं हुआ, कभी 10 पौधे लग जाते, कभी ना मिट्टी ऊपर से नीचे कर दी जाती है, यहाँ दो बेंच लगा के मरम्मत कर दी जाती पुरानी की, ये स्थिति है आज। अब लास्ट में चुनाव के दौरान में आपकी प्रक्रिया पूरी हो रही है, मिट्टी वगैरह को इधर करके पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, बाकी कोई भी वर्क मैं समझता हूँ 10% भी नहीं हुआ जितना फंड आया उस हिसाब से। कितना प्रतिशत संतुष्ट है? मेरी अगर व्यक्तिगत मान्यता था मैं तो कोई ज्यादा संतुष्ट हूँ। ये आपने यंग जनरेशन में यंग मैडम को हमने महापौर बनाया, उस हिसाब से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी कार्य उन्होंने बढ़िया शहर की नहीं करा। संतुष्टि की बात है, कोई भी कार्य करा जाए, वैसे मैं राजनीति स्तर से नहीं देख रहा हूँ, पर लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ भविष्य में क्या होना चाहिए कि कोई भी कार्य करें तो इस तरीके का करें कि 50 से लेकर 100 वर्षों की उसकी लाइफ हो और उसमें द्वारा से पैसा नहीं लगाया जाए। ये अगर इस तरीके से कार्य होंगे तो मैं मानता हूँ फिर देश का तरक्की होना निश्चित है। वर्तमान में साफ सफाई की व्यवस्था शहर में वर्तमान में ठीक है, 50% मान लो, लेकिन फिर भी इसका पूर्ण रूप से समाधान नहीं है अभी। इसका समाधान जब तक इसके जड़ में नहीं पहुंचेंगे तब तक इसका समाधान नहीं मिलेगा। एक्चुअली मैं बता दूं, जब तक मेयर साहब ऑन रोड नहीं आए, छोटा सा शहर है, लिमिटेड एरिया इसका, अगर वो लिमिटेड एरिया में अगर 2-3 घंटे भी शहर को दे देती रेगुलर, तो शहर में अपने आप व्यवस्था हर चीज की बेटर होती है। शहर में LED स्क्रीन लगी है उस पर तो दिखता है कि वो घूमती रहती है नहीं, वो तो ये कि लिमिटेड एरिया का उन्होंने क्या कहते हैं फोटोग्राफी करा लिया उसको, उन्होंने कैंपेन में लगा दिया उसको, रिलीज कर रही है बस। एक जनरल एरिया में नहीं आती है वो, जनरल एरिया शहर में समाज में 30 त्यौहार होते हैं व्यक्तिगत रूप से, बहुत हर समाज के हर बिरादरी जाति के, लेकिन कभी उनका ये नहीं लगता कि शहर को आगे एक व्यवस्थित तरीके से साफ सफाई देखें, ये अपने कर्मचारियों को देखें, उनको क्या कहते हैं कराएं काम दे जो आज की पोजिशन है। हम ऐसा मेयर बिल्कुल नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे शहर को ऐसा मेयर मिले जो पब्लिक से जनता के साथ कदम से कदम मिला के चले और जहाँ समस्याएं उनको दूर कराएं। पार्कों की, सड़कों की, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब चीज सब व्यवस्था बढ़िया है, सफाई की व्यवस्था अभी भी जो है शहर में कोई नया कार्य नहीं हुआ बिल्कुल। कैसा मेयर चाहते हैं? मेयर ऐसे हैं, लेकिन इन्होंने काम बहुत अच्छा नहीं किया। मैं सरस्वती नगर में रहता हूं, गली नंबर 3 में 2 नंबर गली 4 साल पहले बन चुकी है, सभी जगह भागे हम और हम गली वालों ने यह डिसाइड कर लिया है कि अब हम नोटा में वोट देंगे मेयर के और पार्षद के उस पर, क्यों 4 साल से बराबर कहते हुए विधायक जी से मिले, बार बार मिले और बार बार नूतन वहाँ भी खबर भेजी, अब आयुक्त महोदय पे भी गए, लेकिन अब आगे नंबर भी आया है, सो भी 15 दिन हो गए, मिट्टी पड़ी हुई है, अब रात को मिट्टी आई है, पता नहीं कब कैसे होगा, जबकि 2 नंबर गली 4 साल हो गई और पूरे शहर में कुछ यहाँ पर ये बात सही है कि पार्क में
कुछ अच्छे काम हुए हैं, अटल पार्क हुआ बना हुआ है, उनमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लिए हैं। कोई विकास नहीं, गांधी पार्क में जहाँ रहे घूमते हैं यहाँ कोई विकास नहीं। ये बाद में लगे, ये तो अभी लगे उसका बाकायदा बोर्ड लगता है यहाँ 50-55 लाख रुपए फंड दे रही है, 2 दफा दे रही है अमृत योजना के तहत और एक विकास के तहत दे रही है। लेकिन यहाँ कितना लगा, मैं कहता हूँ अगर 10% भी लग जाता सर इस पार्क में तो उस पार्क का विकास देखने दिखाने लायक होता। रोडों पे जो बड़ी बड़ी रोड है उनकी तो सफाई हो भी जाती है, लेकिन गली में गलियों में ना तो बहुत सारी चीजें समस्या खड़ी हुई है। यहाँ रोड नहीं है, वहाँ सफाई नहीं है बिल्कुल, अंदर गलियों में जाकर कोई सफाई नहीं करता है। इस तरह की शहर भर में नगर निगम ने जो ट्रैफिक व्यवस्था रखी हुई है, करीब 25 लाख मकान है हमारे फिरोजाबाद में, सिर्फ 40,000 मकान पर लग रहा है, जो मकान दे रहे हैं उनसे ही ज्यादा लिया जा रहा है। इस बार तो मेयर अच्छा, पहले अभी जो था वो अच्छा नहीं था, यहाँ शहर की व्यवस्था सही नहीं थी, सफाई और अब अच्छा होना चाहिए, जो भी करने के तो बढ़िया। वर्तमान मेयर के कारण से कितना प्रतिशत 50% नहीं तो कुछ खराब नहीं बोल रहा नहीं, संतुष्टि क्या है, सिटी से स्मार्ट सिटी हो गया, हालत आप लोग खुद देख रहे हो, गलियां गंदी पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी है, सरकार से गड्ढा मुक्त समाज की बात करती है, गड्ढा मुक्त समाज तो बहुत खराब है, समस्याएं जितनी है उतना काम हुआ नहीं जी। इस बार जो अब जो मेयर ऐसा हो शहर का विकास हो, अपना विकास ना करे, और मेयर अभी तक किसी भी मेयर के प्रत्याशी ने यह शपथ नहीं ली कि हम कमीशन नहीं लेंगे, शहर के विकास की तो बात सब कर रहे हैं, ये कोई नहीं कर रहा कि अपना विकास नहीं करेगी। इस तरह का मेयर हो तो शहर का विकास हो, लोगों को दिख है यानी इसकी समस्या। पानी और सफाई की कैसे, पानी की व्यवस्था अच्छी और बाकी सफाई तो कहीं है कहीं नहीं जी। तो इस बार जो मेयर हो वो महिला या पुरुष कैसा होगा? वैसे तो जनरल सीट है तो पुरुष ही लड़ेगा, महिला का तो मतलब नहीं है इस बार, और जो भी हो शहर के लिए काम करे, हम लोग कोई पॉलिटिकल लोग तो है नहीं, यही चाहते हैं कि शहर अच्छा रहे, शिक्षित तो अवश्य होना चाहिए, बिना शिक्षा जब आप आम नौकरी के लिए जाते हो तब तो आपको डिग्री की आवश्यकता पड़ती है, जो पूरे शहर का नेता बनेगा उसको कोई शिक्षित ही नहीं होगा तो कैसे काम करेगा, आगे से कैसे अपनी बात रखेगा और कैसे पैसा लाएगा शहर के विकास के लिए, शिक्षित होगा तभी। अनुभवी मतलब अनुभव, काम का अनुभव हो, जरूरी नहीं है कि मेयर ही दोबारा मेयर बने, कोई भी हो उसको काम का राजनीति का अनुभव होना चाहिए, राजनीति का अनुभव, जब राजनीति कर रहे तो राजनीति और नहीं चाहिए, राजनीति ये प्योर राजनीति है, मेयर राजनीति है। ये शुक्रिया साबिर भाई। क्या हो रहा है, नहीं होनी देखिए सही कह रहे हैं, चले गलियां थोड़े मेन रोड जो बनवा दिए ना कर बन गए हैं, बाकी बहुत बढ़िया हालत तो है। अरे मेयर 100% बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, सारी सड़कें बनवाई हैं, बाकायदा वो स्ट्रीट जो छोटी छोटी लाइटें लगती हैं वो लगवाई हैं, और मेयर ने काम एकदम फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया सड़कें बनवाई हैं। अगर मान लो कहीं पे जो है कोई उसको शक हुआ है तो उसको थोड़ा सा खोदवा के उसको चेक करा उन्होंने, हाँ बहुत बढ़िया काम किया है मेयर, ऐसे ही होने 100% सही है, बहुत शहर में विकास कर रहे हैं, बहुत काम किया बहुत। अब देखिए आपने आदमी चाहता है फौरन इमीडिएटली काम होना चाहिए, ये सारे काम धीरे धीरे होते हैं, और बीजेपी के जो वहां से पैसा आया है उसका सही इस्तेमाल किया, वहां से लखनऊ से पैसा भी बहुत भेजा योगी जी ने, और यहाँ पर काम भी बहुत अच्छा, पानी अरे पानी के मारे तो जो है लोग यहाँ बहुत परेशान थे, फिर छोड़ के जा रहे थे, अब
पानी की वजह से पानी कौन लाया? कौन लाया पानी? मेयर जाइए पानी कौन लाया? पानी कौन लाया? ये तो बता पानी पानी से पूछे साहब पानी कौन लाया? पानी मेयर लाई क्या? पानी मेयर लाई? अगले यादव लेके आए, अगले यादव अखिल यादव लेके आए पानी, इसीलिए शहर का विकास हुआ है पानी की वजह से, सब लोग टिके हुए हैं। सीजा कहाँ से लाए? अरे अरे सीजा कहाँ से लाए यार? यादव ने ये सब अच्छे मुलायम अखिल यादव की देन है यार। जिला जालपुर योजना जो है अखिल यादव की देन है, वही बताइए, और अच्छे अच्छे की देन है, वही बताइए। सीजा सीजा और मेयर की कोई बेकार की बात है, दो टाइम आता ये अखिल यादव की जेड़ा जाल परियोजना अखिल यादव ये अगले साफ सफाई से कितना कोई साफ सफाई नहीं है, सब बहुत साफ सफाई है, बहुत कोई साफ सफाई नहीं है, ये लोग तो घरों का ये जान में जा रहे हैं अपनी गोदावाद के अंदर नगर निगम के अंदर नहीं, बहुत साफ सफाई है। मेयर जो बैठी हुई है, मेयर साहिबा, उनके कार्यकाल में फिरोजाबाद की दुर्दशा इतनी खराब हुई है, खासतौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में तो उन्होंने देखा ही नहीं, मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार, ये कहाँ का इंसाफ है? आप जाकर देखिए रामगढ़ कश्मीर के दीदामाई नगर करीम नगर कालिम नगर, आप इन क्षेत्रों में जाकर उसमें तो कई सारी दुकानें तोड़नी पड़ेंगी। नहीं, उसमें इसका प्रावधान है कि जैसे सदर मार्केट है हमारा, एक साइड में मंदिर और मस्जिद बने हुए, हम उनको टच नहीं करेंगे क्योंकि वो धार्मिक भावना से जुड़े हुए, दूसरी साइड से मंदिर और मस्जिद नहीं है, एक साइड से हम एक जमीन एक्वायर करेंगे और एक साइड से रोड बढ़ा देंगे, आधी रोड ऑलरेडी चलती रहेगी, आधी रोड हमारी जब चलती रहेगी तो दूसरी साइड की पट्टी टूटेगी, और जब पट्टी टूटेगी तो हम दुकान उससे पहले कोई निजात नहीं होगा। उसके जाम के अलावा और क्या समस्या? नाली गंदगी की समस्या है, सफाई कर्मचारी यहाँ पे कुल मात्र 550 सफाई कर्मचारी है 8 लाख के ऊपर, जबकि कम से कम 2,000 और 2,500 सफाई कर्मचारी होने चाहिए, जब सफाई कर्मचारी नहीं है तो सफाई कहाँ से होगी? पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये डेढ़ा झाल का पानी लाया गया, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किए, उसको सब काम किया, जाम लगाए, देखे आपका गंगा जल का पानी ला के दिया है डेढ़ा झाल का, कोशिश ये कर रहे हैं कि इसमें और बढ़ोतरी हो जाए, जिन क्षेत्रों में खारी पानी जाता है, किसने दिया ये पानी, उस क्षेत्रों में भी गंगा जल का पानी पहुंचाया दिया जिससे आदमी की सेहत बनी रहे, क्योंकि पानी डेढ़ा झाल का किसने दिया? लेता ही डेढ़ा झाल का पानी कांग्रेस ने शुरुआत की और उसको दूसरे हड़प ले गए, जिसका शासन था वो ले गए, क्योंकि जिसका शासन होता है उसका नाम होता है, जिसका आगे उसी तो, अच्छा ठीक है, अभी आप कह रहे जिसका शासन होता है उसका नाम होता है, तो आप कांग्रेस से दावेदार हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या आपको लगता है शासन तो भाजपा का रहेगा, तो क्या आप जो काम जो प्लान आप लेकर आए हैं वो कर पाएंगे? वो जो प्लानिंग हम कर रहे हैं कोशिश करेंगे, नहीं होंगे तो विधानसभा घेराव करेंगे, विधानसभा लखनऊ में जाके बैठेंगे, लेकिन यहाँ शहर की समस्या को दूर करेंगे, जिसके लिए जनता हमको चुनकर भेजेगी, तो हम वो काम करेंगे जो जनता के मुफीद होगा, ये नहीं अपने घर बनेंगे, घर बनने वाले नेता नहीं हम, घर किसने बनाया? घर तो निरो ने बनाया है, आप सबको मालूम है किन किन ने घर बनाया है, चेयरमैन में बनाया, एमएलए में बनाया, एमपीएम बनाया, किसने घर नहीं बनाया अपना, लेकिन घर बनने वाले नेता नहीं है, जनता के बीच में काम करके देते, ऐसे तो सब कहते हैं, दावेदारी तो सब करते हैं, कहने को दिया कि अभी कांग्रेस को चांस मिला नहीं, जब तक कांग्रेस चांस नहीं मिलेगा तो कैसे कहेंगे, अभी तो हम सड़क पर डोल रहे हैं, 35 साल से आगे आने वाले 50 सालों में टाइम नहीं मिलेगा कांग्रेस को। मैं सफाई की नगर की सफाई की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये बात सही है कि पहले से नगर की सफाई में 25 से लेकर 50% तक सफाई हो रही है, लेकिन एक बड़ा दुखद विषय है, आगरा गेट पर चारों तरफ जो है गाड़ियां टैक्सी टेम्पो वगैरह खड़े रहते हैं, सारा रास्ता रोकते हैं और उनसे मना करने पर लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं, इस ओर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। दूसरी बात यह है, वर्धमान पैलेस के सामने भीतर तो ये कहते हैं कि हम आपको कूड़ा सड़क पर नहीं डालने देंगे, दूसरी तरफ पूरे बस स्टैंड का कंपनी बाग से लेकर के और जैन मंदिर चौराहे तक का पूरा कूड़ा आकर के इकट्ठा होता है, गेट के सामने नगर निगम की बड़ा वाला ट्रक लगा करके रोक दिया जाता है, जिससे दुकानदारों को और वहां सभी को बहुत ज्यादा परेशानी है, कोई भी सुनवाई नहीं है।
इस बार शहर का मेयर कैसा होगा? इस बार शहर का मेयर ऐसा होना चाहिए जो सभी क्षेत्रों का उचित रूप से विकास कर सके और फिजूल के जो काम ना कराए, जिनसे दुकानदारों को परेशानी हो, आम नागरिक को परेशानी होती है, वो काम कभी ना कराए। क्योंकि आपका भी फायदा हो जाएगा, आप मेयर हैं, अधिकारी हैं, आपका भी फायदा हो जाएगा, लेकिन बाकी जो पब्लिक भी परेशान होती है उन कार्यों की वजह से। तो ऐसे काम कभी नहीं कराने चाहिए, वो काम कराए जो जनहित में आवश्यक है। कोई जरूरी नहीं है पैसा आ गया तो उसका निपटाना नहीं, पैसा रिफंड कर दे अगर जरूरत नहीं शहर को, तो बिल्कुल रिफंड कर दे, और जहाँ जरूरत है वहाँ पर जरूर लगाए। तो मेयर ऐसा हो जो सब जगह का उचित ढंग से विकास कराए, ये ना। वर्तमान मेयर के कार्यों से कितना प्रतिशत आप संतुष्ट? वर्तमान मेयर के कार्यों से हम बहुत संतुष्ट हैं, बस केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि वो ऐसी जगह काम ना छेड़े जिनसे पब्लिक को परेशानी होती है। ठीक है, कितना प्रतिशत सर आप संतुष्ट? नहीं, पूरी तरह संतुष्ट है, काम तो उन्होंने बहुत किए हैं, पर ऐसा है ना, काम किए हैं पर कुछ काम हैं बाकी जो अभी उन्हें और करने हैं, वो काम अगर हो जाएंगे तभी इसका। इस बार का मेयर कैसा होना चाहिए? इस बार का मेयर बहुत सुलझा हुआ और अनुभवी होना चाहिए, जिसको इस चीज का अनुभव हो वही मेयर बनना चाहिए। अगर उल्टा सीधा कोई आदमी बना दिया तो उससे शहर का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। शहर मेयर वही होना चाहिए जिसको अनुभव हो, जिसने काम किया उसी को मेयर बनाना चाहिए। शिक्षित होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल शिक्षित होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, युवा होना चाहिए। युवा होना चाहिए, ठीक है। महिला या पुरुष? नहीं, महिला हो या पुरुष हो, युवा होना चाहिए, काम करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए, सुलझा हुआ हो। सुलझा हुआ हो, यह नहीं है किसी के कहने से बहकाने से बहक जाए या अपनी बुद्धि लगाए। ऐसा मेयर नहीं होना चाहिए जो अधिकारियों के उनके बस चंगुल में फंस जाए, वो अपनी बुद्धि लगा कर कहाँ विकास करना है, कहाँ जरूरी है वही विकास करा है, किसी कहने में ना आए, और प्रबुद्ध नागरिकों की जो है सलाह लेकर के तब जो किसी क्षेत्र में काम कराए। ऐसे नहीं अधिकारियों ने कह दिया आप कराने चल दिए काम, पैसा भी लगता है और पब्लिक को परेशानी होती है उस काम से। इस बार जो हम रजाबाद की जो सरकार ने एक जनरल सीट की है, तो हम चाहते हैं कि शहर को एक अच्छा प्रबुद्ध नागरिक जो कि पढ़ा लिखा भी हो ऐसा मेयर इस बार, क्योंकि मौका मिला है तो शहर का ऐसा मेयर बनना चाहिए। दूसरा उसमें ये है कि मेयर साहब जो भी बने, एक यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों को लेकर एक कमेटी बनाकर और उनकी सलाह मान के आगे का कार्यक्रम तय करना चाहिए। उससे क्या है, शहर के जो कोने कोने के विकास अभी नहीं हो पा रहे हैं वो विकास शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक कमेटी होगी, कमेटी आपको जांच करके बताएगी कि भाई आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको उसमें से उचित बात लगे उसको छांट के उसको बना लेना। ठीक है, वर्तमान मेयर के कारण से कितना प्रशासन? वर्तमान मेयर ने काम तो बहुत करे है, क्योंकि इस समय जो एक भाषा चल रही है ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार होने से काम तो बहुत हुए हैं, पैसे भी शहर में ऊपर से बहुत आई है, तो काम तो अच्छे हो रहे हैं, काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो कोने कोने तक जन जन तक काम नहीं हो पा रहे उसको और विकास की तरफ जाना चाहिए। शहर की जो मूलभूत समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, नहीं पहले से तो बहुत अच्छा हुआ है, पिछले जो 10 साल से यदि हम देखें उससे उस समय शहर में साफ सफाई बहुत हुई है, बिजली की समस्याएं भी दूर हुई हैं और सुनवाई भी होती है, ऐसा ना। मेरा नाम रितेश अग्रवाल है और मैं व्यापारियों का भी नेतृत्व करता हूँ, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल में प्रदेश महामंत्री का पद है। ठीक है अग्रवाल जी, किस तरह का मेयर इस बार का? देखिए अभी हमारे नगर ने पहला मेयर देखा था, पहली बार जो नगर निगम बना था तो हमने पहला मेयर चुना, पर मेयर जो नया चुना गया है, पहला चुना गया है, तो हम जो व्यापारियों में एक रोष व्याप्त है कि
एक प्रतिमा, जैसे कि व्यापारियों के साथ एक मीटिंग होनी चाहिए नगर निगम की, उसमें जो नीचे तक की समस्याएं हैं व्यापारी की हो, जनमानस की हो, जो मतलब लास्ट तक का जो व्यक्ति है, जो हम सरकार की सोच है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को हर चीज का लाभ मिलना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। जब तक हम फीडबैक नहीं लेंगे, जब तक हमारा को कोई फायदा नहीं है। हवा हवाई बैनरबाजी से तो कोई काम बनता नहीं है। जो भी मतलब जो विकास होना है वो लोगों के साथ सामान्य बना करके, मीटिंग के माध्यम से लोगों के विचार लेकर के, व्यापारियों के साथ मीटिंग कर करके, इस तरीके से होना चाहिए। ये अभी तक जो काल निकल के गया है उसमें ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, वर्तमान मेयर के कारण से कितना? देखो, उन्होंने पहली बार मेयरी लड़ी थी और उसके हिसाब से उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम व्यापारी, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो एक अच्छा है और उसके विश्वास पे हम लोगों ने भाजपा का मेयर चुना था। हमारा योगी मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि हमको विश्वास है, हम व्यापारियों को विश्वास है, एक ईमानदार नेतृत्व हमको प्रदेश को और देश को मिला हुआ है, उसी विश्वास के साथ मेयर चुना। उसके अनुरूप काम तो हुआ है, पर जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए उसमें काफ़ी कमी रही है, जनता के बीच में भी, व्यापारियों के बीच में भी। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज नगर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। आप अगर एम्बुलेंस फंस गई तो ये समझ लो जो उसमें मरीज है वो कितनी देर तक पहुंच पाएगा, हॉस्पिटल पहुंच पाएगा भी या नहीं पहुंच पाएगा, इसके लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं किया हुआ है। हमने लगातार मीटिंगों में ये बताया है कि जितना जो टर्री का अतिक्रमण चल रहा है, बेहिसाब टर्री अपने जो नगर में घूम रही हैं, उसका एक रूट डिसाइड कर दिया जाए, नंबरिंग डाल दी जाए, जिससे क्या इस नंबर की रूट की ये नंबर वाली टर्रियाँ इस रूट पर चलेंगी, ये नंबर वाली टर्रियाँ इस रूट पर चलेंगी। जिसका मन आता है आड़ा तिरछा चलाता है, आड़ा तिरछा लगाता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हमारे SP सिटी साहब से भी काफ़ी बार कहा है कि साहब इस व्यवस्था को संभालें, क्योंकि नगर हमारा है, हमको सही रखना है, आप हम लोगों के मतलब विचार लेंगे और उस व्यवस्था को संभालेंगे, जिससे हमारा नगर अच्छा और स्वच्छ और यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से हमारे नगर की चरमराई हुई है। आप लोग भी देख रहे होंगे, मैं आप लोगों के माध्यम से यही लोगों से कहना चाहूँगा, कम से कम नगर की जो जनता है उसको इस अभियान में आकर के आगे से आगे खड़ा होना पड़ेगा। और उन व्यापारियों से भी मैं कहना चाहूँगा जो अतिक्रमण ज़्यादा किए हुए हैं, उनको भी अपनी जैसा नहीं होना चाहिए कि जितना माल अंदर रखा हुआ है उससे ज़्यादा बाहर लगा देते हैं, उसको भी उन लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि नगर हमारा है, इसकी व्यवस्था हम लोगों को देखनी है। और पुलिस प्रशासन से यही मांग करूँगा कि जो अभी व्यवस्था चल रही है नगर की यातायात की, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी है इसको। मैं भी आगे वाला जो मेयर पद का जो प्रत्याशी चाहूँगा, वो कम से कम हम व्यापारियों के बीच का आए, जो हम व्यापारियों का दर्द समझे। ठीक है, शहर में साफ सफाई की व्यवस्था? साफ सफाई की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पहले से तो 50% काफ़ी सुधार है, पर लेकिन वही मॉनिटरिंग निगरानी समितियां बनी हुई हैं, उसका भी कोई उपयोग नहीं होता है। बस वो समितियां बनी हुई हैं पर उसका कोई उपयोग नहीं होता है। जैसे कि आप देखते होंगे नगर निगम के जितने भी कूड़ा भरने वाले जितने भी वाहन हैं वो बीच चौराहे पर लगा देते हैं, उनको वाहन को मतलब साइड से खड़ा होकर के अपना कूड़ा भरना चाहिए, जिससे क्या है यातायात अपना बाधित ना हो। और एक उसमें बड़ी समस्या है, जैसे कि ये सब कलेक्शन का जो कूड़े का टाइम है वो मतलब सुबह मॉर्निंग में होना चाहिए, जिससे पब्लिक जो रोड पर आ जाती है 9 बजे के 10 बजे के बाद तो जाम की व्यवस्था खराब होती है। तो इस वजह से कुछ मॉनिटरिंग की कमी है ये सारी, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि ये सब व्यापारियों की राय और सामाजिक संस्थाओं की राय अगर नहीं लेंगे तो ये सब चीज़ों में समस्या आएंगी। क्योंकि अधिकारी तो अपने अंदर ऑफिस में बैठे बैठे आदेश पारित कर देता, उसको तो पता ही नहीं है कि आम जन में हो क्या रहा है, क्या समस्याएं चल रही हैं और हमारी जो शहर की जनता है वो चाह क्या रही है, उनको मतलब किस बात से परेशानी हो रही है। उनको करना कुछ भी नहीं है, सब आदेश का काम है, वो कोई खुद तो ट्रैक्टर चलाएंगे नहीं, खुद तो कूड़ा उठाएंगे नहीं,
वो जो व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था बनी हुई है सरकार द्वारा, पूरा फंड आ रहा है, हर चीज की व्यवस्थाएं पूरी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, पर क्या है मॉनिटरिंग नहीं है। नया मेयर कैसा, युवा या पुराना? नया मेयर तो आज युवा ही होना चाहिए, क्योंकि युवा सोच होगी और युवा विकास होगा। महिला या पुरुष? मेरे हिसाब से तो पुरुष आना चाहिए। शिक्षित? शिक्षित, शिक्षित तो अनिवार्य है। अनुभवी या नया? देखो नए को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि नए लोग आएंगे जब ही विकास होगा, नई सोच आएगी, नया उसका विचार होगा, और नए लोग आने को मौका भी मिलना चाहिए नए लोगों को। सारी पार्टियां मिलाकर अगर हम बात करें तो लगभग 200 के आसपास आवेदक हैं। जी जी जी। उनमें से कुछ एक शॉर्ट लिस्ट अगर हम कर सकें नाम, तो कौन कौन बेहतर हो, विकल्प हो सकता है? अब 200 लोगों में देखो लिस्ट तो बहुत बड़ी है, इसमें तो अभी कोई आंकलन अपन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर आदमी का मतलब फ्रीडम है, वो हर आदमी जिसको चाहे वो आवेदन कर सकता है। पर हम ये चाहेंगे कि एक ऐसा मेयर हमारे प्रत्याशी नगर को मिले, जो कुछ परेशानियां जो अभी तक नगर ने झेली हैं, जो मॉनिटरिंग की कम्युनिकेशन गैप की जो कमियां रही हैं उसको वो पूरा करे, जिससे क्या है पूरा नगर हमारा स्वस्थ और स्वच्छ बना रहे, और जो अतिक्रमण की विशेष खराबी जो चल रही है नगर में उसमें राहत मिल सके। कुछ लोग आ गए हैं बंसल जी, किस तरह का मेयर इस बार होना चाहिए? सर हमें तो बस बीजेपी का मेयर चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से बीजेपी का मेयर हो, और जो सत्ता पक्ष से यहाँ पे जिसको टिकट मिलेगी उसको वोट देना है, चाहे काम करे ना करे। नहीं काम करेंगे बीजेपी के, हमारे तो ज्ञानी हो ना नहीं, हो, नहीं, अनुभव नहीं, हो ना नहीं, नहीं 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 हमारा, हमें तो ऊपर हमारे योगी जी बैठे हुए हैं, वो अनुभवहीन को तो यहाँ टिकट ही नहीं देंगे, ये तो सोच से भी परे है कि आप उनका, आपने डायरेक्ट यहाँ नहीं वहाँ के लिए आप कह रहे हैं, उनने कभी भी अनुभवहीन को टिकट ही नहीं दी और ना टिकट देंगे, इसलिए हमें तो केवल बीजेपी को वोट देना है, बाद बाकी किसी की सोचनी भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताना है, चाहे वो किसी को भी टिकट दे, हमें तो फूल के केवल सिंबल पे वोट देना है, और योगी जी को देखते हुए अपने जो हमारे योगी जी आने वाले समय में हमने जो झेला है उसको आज नहीं झेल रहे हैं, तो हमें बाबा जी को देखना है अपने को। वर्तमान मेयर के कारण से कितना प्रतिशत आप संतुष्ट? वर्तमान मेयर के सब, अगर पैसा ऊपर से ही नहीं आता तो वर्तमान मेयर कुछ कर ही नहीं पाती, वर्तमान मेयर ने भी बहुत काम किए हैं, ऐसा नहीं है, और फिर वो उस समय पे युवा अवस्था में थी, महिला थी, तो कुछ बहुत समय उनका शुरू में सबने खराब किया और उनको समझदारी कम थी, अब 5 साल उनके पूरे हो गए, अगर आगे उनको टिकट मिलेगी तो वो भी बहुत अच्छा काम करेंगी, ये उम्मीद है हम लोगों को भी, और वो हाईकमान जो जिस तरीके की हाईकमान की गाइडलाइंस होंगी उसको जनता फॉलो करे, हम तो फॉलो करेंगे। नया मेयर कैसा होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए। मेयर क्या, मुख्यमंत्री हो चाहे पार्षद, कोई पार्षद हो, सब शिक्षित होने चाहिए, इसमें कोई पूछने की बात ही नहीं है, गुंडा बदमाश नहीं होना चाहिए, कोई क्राइटेरिया नहीं होता ना कि एग्जाम पास करके ही आप नेता बन सकते हैं। नहीं नहीं, क्राइटेरिया तो किसी के लिए इस युग में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, व्यापारी भी पहले, आज की दौर में की बात अलग हो गई, नहीं पहले कोई क्राइटेरिया नहीं था, सातवीं पास भी व्यापारी था और फेल भी व्यापारी था, और जिन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं वो भी व्यापारी था, तो ये राजनीति में थोड़ी बहुत तो चलती है उठापटक, समाज को देखते हुए, देश को देखते हुए, सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें वोट करना है, और हमें अपने सभी इष्ट मित्रों से, आप भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा में भी इस समय 150 से ज्यादा आगे तक, आपको क्या लगता है उनमें से कोई ऐसा चेहरा है जो इस बार शहर का कुछ विकास कर सकता है, कुछ और सर? सबसे बड़ी बात यह है कि 150 आवेदक है, ये मुझे तो नहीं मालूम है कि 150 आवेदक है, ये तो ऊपर हाईकमान को मालूम होगा, और हाईकमान जिसको भी वही चूज करेगा, जिसको भी टिकट देगा उसको जनता जिताए, और आगे उस मेयर से जो भी मेयर चुना जाएगा उससे हम लोग यही उपेक्षा करेंगे कि वो शहर का हाईकमान तो नहीं चुनेगा, मेयर तो जनता ही चुनेगी, तो जनता की दृष्टि से मेयर कैसा होना चाहिए? नहीं सर, हाईकमान टिकट तो हाईकमान ही देगी, टिकट हम लोग नहीं देंगे, जनता को तो केवल वोट देना है, अभी हाईकमान ने जिसको भी टिकट दी उसको हम लोगों को वोट देना है, बाद बाकी तो भाई
बाद बाकी पूरा शहर है तो सभी आपको टिकट दे दे तो नहीं नहीं हमें राजनीति नहीं करनी, हम व्यापारी हैं, एक व्यापारी के लिए अपना व्यापार करें, राजनीति करने वाले राजनीति करें, भैया हमारे पत्रकार हैं वो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो भी जिस तरीके का पद है अगर सभी लोगों को अगर एक ही पद मिल जाए कि साहब हमें राजनीति करनी है यहाँ पत्रकारिता करनी है, ऐसा नहीं हो पाएगा, सिस्टम नहीं चलेगा। जिसको रिक्शा चलाना है वो रिक्शा चलाएगा, जिसको जहाज चलाना है वो जहाज चलाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपने क्षेत्र का योग्य आदमी होना चाहिए हर क्षेत्र में, ये नहीं है कि वो चाहे जो करने लगा हर काम। ये मेयर तो जो अभी प्रेजेंट में थी वो भी शिक्षित थी, अच्छा काम किया उन्होंने, काफी विकास किया है, और जो जनता के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करे वही जनप्रिय होता है। हम यही चाहते हैं ऐसे ही आगामी जो भी मेयर आए वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखें और विकास करें। वर्तमान मेयर को कितना प्रतिशत आप समझते हैं उनके कार्यों से संतुष्ट? हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं उनके कार्य से, 100% बिल्कुल। तो आइए इस तरह की यहाँ पर हमने बातें लोगों से जानी, उनके नज़रिए से देखा कि शहर का मेयर इस बार कैसा होना चाहिए, और तमाम लोगों से हमने बातचीत की। हमने यहाँ जाना कि लोग किस तरीके का मेयर चाहते हैं, लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं भी बताईं, वर्तमान मेयर के कारण से कितना संतुष्ट हैं वह भी बताया। तो आगे इसी तरह के कार्यक्रम हम लाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। कहीं इसको फॉलो फेसबुक पर कर लीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे, किसी और तमाम तरह की समस्याओं के साथ। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत